सुनिए, गीता में भगवान कृष्ण, सुनिए एक मिनट, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मूर्ख आदमी से बहस करना अपना समय नष्ट करना है। तो बीजेपी वाले बीजेपी वालों से बहस करना बेवकूफी है। इनको 24 में जिस दिन लोकसभा भंग होकर के आचार संहिता लग जाएगी ना, इनके मुंह पर एकदम लगाम कस जाएगा। अगर बोल दें जनता के बीच में जो कहिएगा सो हार जाऊंगा। अंधे के सामने अगर आंख वाला रोएगा तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। अंधे के सामने आंख वाला रोएगा तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। अंधे के सामने आंख वाला रोएगा तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। एक मिनट सुनिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है। अन्हरी पीसत रहे, कुकुर खात रहे, आटा बटोरे गई तो कुछ ना। बंदर के स्वाद अतरक का जाना है। देश के प्रधानमंत्री जब एक अनपढ़ चाय बेचने वाला, वो खाली घूमा ले लेके। पहले सुनो यार, है अनपढ़ कह रहे भैया, पहले सुनो यार। कोर्ट में पेश हुआ था केजरीवाल ने, चार पास का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए एक भी। सर वो वास्तव में मदारी कभी जब ट्रेन पे यहाँ से चल जाता उसका स्टेशन कोई पता नहीं चलता। अगर किसी तरह लखनऊ से बैठ गया मदारी तो उसका कोई अंत स्टेशन नहीं होता। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री खाली घूमने में विश्वास किए हैं, जनता के विकास करने का विश्वास नहीं किया। विकास नहीं हुआ, विकास करने पे विश्वास नहीं करा, घूमने पे विश्वास। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट, अगर एक मिनट, अगर ये गठबंधन वाले अगर मुसलमान इनको आज करवट दिखा दे अपनी इज्जत बचा रहे, विपक्ष वाले केवल 20% मुसलमानों के सहारे हैं, समझू। और सबसे ज्यादा ही यकीन में नंगे विपक्ष वाले सीबीआई को, मुसलमानों के लिए कुछ ना करे, कम से कम बैकवर्ड एससी के लिए कर दे। मुसलमानों के लिए इस सरकार तो कुछ चाहिए नहीं, बैकवर्ड एससी के लिए कर दे। एक मिनट, बायकॉट एससी दिमाग से नहीं, दिमाग से वो एक किसी के लिए सर वो नहीं कर सकते हो। वो सबका साथ सबका विकास, हाँ जी, वो नारा देते हैं, ठीक है ना। ये भैया 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 जैसा ये लोग बोलते हैं कि मोदी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो तुम पढ़े लिखे हो ना, उसको टीआई के साथ में लिखा पढ़ी में तुम आओ ना, कि माइक के सामने हल्ला करोगे पढ़ा लिखा। गोरखपुर में ज्वाइनिंग हुई है, गोरखपुर में ज्वाइनिंग हुई है 30 प्रोफेसर का, गोरखपुर में एक भी बैकवर्ड नहीं, एक भी एससी नहीं उसमें, बताइए। दिमाग से भी पीछे है जिंदगी भर। यार ये बता, ये क्या बताओ, ये बैकवर्ड एससी दिमाग से भी पीछे जिंदगी भर पीछे रही है। सुनो सुनो सुनो, बैकवर्ड एससी इतिहास गवाह थे, तुम्हारे रामायण वाल्मीकि लिखे और संविधान एससी लिखा, जब जब हुआ कोई तुम्हारे ठाकुर और वो क्या ना पंडित नहीं आया। बस तेरी सनातन फर्जी धर्म की बात करते रहते हो यार, कहां की बात कर रहा है यार, फर्जी धर्म की बात कर रहा है। जब जब कोई जितना विद्वान हो, रावण रावण भी विद्वान था, सबसे ज्यादा विद्वान भगवानों में देवी देवताओं में रावण था, था कि नहीं था, था कि नहीं था, नहीं था क्या। ए देखो, आज दक्षिणी भारत में रावण पूजा जाता है, सबसे बड़ा मूर्ख था रावण। और बताओ, समझे ना, ये इसके और फिर इसके बाद वाल्मीकि जी थे, फिर इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उसके बाद कौन है यार, बहुत लोग हैं, उसको छोड़ो। जो भैया भाई एक मिनट देरी हो जाता ना प्लीज, दलित से ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी में हो, कोई आरएसएस में हो, तो बता दो एक भी बंदा कोई यहाँ, कोई भी हो को। देखिए सुनिए, हमने एक बार और आपको, मैंने आपको एक बार कहा ना, हमारे बाप दादा ने नहीं देखा, हमारे बाप दादा ने देखा, मैंने नहीं देखा, उस पर मैं टिप्पणी या कोई सवाल का जवाब नहीं देखता देता हूँ। हमारे आग के सामने जो है उस पर कोई हमारे सवाल का जवाब अगर देगा तो मैं उनको जवाब देने के तह दिल से मैं चाहता हूँ। जैसे इन्होंने ये कह दिया, जैसे इन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है ना, पढ़ा लिखा है ना, फिर जब हम बोलते हैं तो फिर मत बोला करो, तो मैं बोलने मैं नहीं दूंगा। इन्होंने बोला कि राहुल गांधी बड़े महान व्यक्ति हैं, तो हमारे कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी नहीं पढ़े लिखे हैं, हमने मान लिया। लेकिन उनके ऊपर जैसे उन्होंने कहा तूने 4-6 हज़ार करोड़ डकर के बैठ गया है, आप भी इंसान हो ना, अभी कुछ दिन पहले ही बोला कि मेरा सदस्यता बहाल हो गया, हमको कोर्ट पे ना पालिका पे हमें विश्वास है। तो आप मोदी को भी कहो ना कि तू 10-20 हज़ार करोड़ करके बैठ गया, आपके ऊपर भी हम मुकदमा करेंगे। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, मुंह में कोई टैक्स नहीं लगता है, मुंह में किसी का लगाम नहीं लगा हुआ है। जो जमानत में चल रहा है, जमानत लिए घूम रहा है, जमानत लेके घूम रहे राहुल गांधी, जमानत लेके प्रधानमंत्री बनेंगे, वो देश का क्या होगा।